अज्जू शाह जी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी, खैर से हमारे पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत वाल्मीकि जी, कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी केशव सिंह बरौली जी से, गुरविंदर सिंह इगलास से और मंच पर उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक यादव जी, इरफान रहीम साहब, श्रीमती रजिया खान बादशाह खां, डॉक्टर सारिक कृपाल सिंह जी, अब्दुल हमीद तेजवीर सिंह जी, खान आसिफ, ख्वाजा हलीम साहब, अब्दुल कादिर जिलानी जी, मुजाहिद किदवई साहब और समाजवादी पार्टी के सभी नेता जो इस मंच पर हैं और जो दाएं हाथ पे हमारा मंच है समाजवादी साथी, बड़ी संख्या में उपस्थित बुजुर्ग माताएं बहनें, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये नुमाइश मैदान में मुझे तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं जिधर देख रहा हूं उधर ही छत भी नहीं छोड़ी है उस पर भी खड़े हैं लोग। मुझे पूरा भरोसा है आपके उत्साह के साथ साथ और जो जोश दिखाई दे रहा है, हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी यहां से अलीगढ़ से जीत करके जाने वाले हैं। हालांकि सबको भरोसा था कि सरकार बनेगी, हालांकि नौजवानों की बात अलग है, जब कभी उत्साह में जब नौजवान होते हैं, जोश में होते हैं, तो कभी कभी हैंडल साइकिल का छोड़ करके भी साइकिल चलाते हैं। लेकिन सोचिए, आपकी साइकिल के साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ भी मिल गया है तो सोचो अब साइकिल कितनी रफ्तार से चलेगी। यहां से ये साइकिल चले, रफ्तार से चले, और अलीगढ़ वालों अगर आपकी धीरे चलेगी साइकिल तो कैसे काम चलेगा ये बताओ आप, क्योंकि पहले चरण में चुनाव है आपका, पहले आपको वोट डालने का मौका मिल रहा है। ये साइकिल की रफ्तार अगर आप बढ़ाओगे यहां से तो आगे हम लोग हैं और फिर आगे उत्तर प्रदेश के आखिरी कोने तक पता नहीं कितनी तेज साइकिल चलेगी, साथ साथ हाथ भी चलेगा हैंडल पर। इसलिए ये चुनाव जरूर है विधानसभाओं का, लेकिन सरकार बनाने का भी चुनाव है। ये समाजवादियों की सरकार बने तो जो काम हम लोग कर रहे थे उस काम को और तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस काम को। कम से कम लोगों में ये भरोसा है, लोग ये मानते हैं कि समाजवादी लोग जब कभी कोई वादा करते हैं उसको पूरा करने का काम भी और जमीन को उतारने का भी काम करते हैं। हमारी समाजवादियों की कोई कथनी करनी में भेद नहीं है, अगर घोषणा पत्र में लिख दिया, अगर जनता से वादा कर दिया किसी बात को लेकर के, और अगर आपसे वादा कोई किया तो अगर मौका मिला तो उसको हमने पूरा करने का काम भी समाजवादियों ने करके दिखाया है। ये चीजें सुधरे, व्यवस्था अच्छी बने, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप हमें यहां पहुंचाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जीवन स्तर को कैसे बेहतर करें, आपके घर परिवार में खुशहाली कैसे लाएं, हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, प्रदेश कैसे आगे बढ़े। कम से कम समाजवादियों ने लगातार 5 साल काम कर करके, चाहे वो एम्बुलेंस हो चाहे कोई और व्यवस्था बनाई हो, कम से कम जनता को भरोसा है।
ये एम्बुलेंस 108, 102, साढ़े एम्बुलेंस पहुंच जाती है 108। अलीगढ़ में शुरू कर दिया ये पुलिस का 100 नंबर। पहले कई बार ये होता था, फोन मिला देते थाने में, फोन ही नहीं उठा। अगर फोन मिलाया किसी पुलिस अधिकारी को, कोई मामला अगर दूसरे तरीके का है, कहो तो भाषा और व्यवहार बदल जाता था पुलिस का फोन पर। इसलिए 100 नंबर ये समाजवादियों ने शुरू किया है, आप फोन मिला लेना। घटना हो गई कहीं, कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, पुलिस की मदद चाहता है, तो फोन मिला लेना। 15 मिनट में, 10 मिनट में आपके सामने पुलिस पहुंचने का काम करेगी। ये इंतजाम 100 नंबर के साथ समाजवादियों ने करके दिखा दिया। गरीब परिवार की महिलाएं, इनको समाजवादी पेंशन से जोड़ा है। और हमने तय किया है घोषणा पत्र में कि कोई भी महिला जो गरीब होगी उसको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे, 500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। और इस बार घोषणा पत्र में लिखा है कि आने वाले समय में 500 की जगह 1000 रुपए कर देंगे हमारी माताएं बहनें, और एक भी गरीब माताएं बहनें नहीं छूटेंगी जिनको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। ये इंतजाम करने जा रहे हैं। बच्चों को दूध, घी, और अपनी महिलाओं को, माताओं बहनों को जो गरीब है, उन्हें प्रेशर कुकर कम से कम खाना जल्दी बना दें। प्रेशर कुकर। और घोषणा पत्र हमारा देख लो, बीजेपी वालों का देख लो। बीजेपी वालों ने नकल कर ली आपकी हमारी, जो जो समाजवादियों ने लिखा वो भी अपने घोषणा पत्र में लिख लिया इन्होंने। अरे जो काम हम लोग कर चुके 5 साल पहले, अब कर रहे हो आप। हमने तो लैपटॉप पहले बांट के दिखा दिया। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले तो बेहतर समझते होंगे, जिस समय लैपटॉप बटा था शायद यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पहुंच गया था। लैपटॉप बांट दिया हम लोगों ने, लैपटॉप बांट के भी दिखा दिया। गरीब बच्चों को जिनको डर लगता था, कम से कम लैपटॉप पहुंचा के डर निकालने का काम किया। अब तो स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। 1,40,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 1,40,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है स्मार्टफोन का। आपकी सरकार बनेगी तो स्मार्टफोन देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। और ये स्मार्टफोन इसलिए दे रहे हम कि कई बार सरकार की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती। लोग अगर मदद चाहते हैं सरकार से, जानकारी न होने की वजह से कभी जुड़ नहीं सकते योजनाओं से। हम अपनी सरकार में व्यवस्था करेंगे कि सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी हो, और अगर कोई जुड़ना चाहता है योजना से तो उसको मोबाइल के माध्यम से सीधा जोड़ने का काम कर दें। ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम अच्छे दिन ला देंगे, बताओ अच्छे दिन आए कि नहीं आए। इन बीजेपी के लोगों ने कहा हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन। किसी के अच्छे दिन नहीं आए। और काला धन और भ्रष्टाचार के नाम पर उन्होंने नोट बंद कर दिया, 500 और 1000 रुपए बंद कर दिए, लोगों को लाइन में लगा दिया। आपका मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा, आपने अपने परिश्रम से, पसीने से जो पैसा कमाया उसको काला धन के नाम दे दिया इन्होंने। लोगों को लाइन में लगना पड़ा। जो लोग गरीब, जो लाइन में लगे अपने पैसे को बदलने के लिए, उन बिचारों की जान चली गई, कई जान चली गई। कोई मदद नहीं हुई केंद्र सरकार से। हम समाजवादियों ने उनके परिवार की भी मदद की और सरकार के खजाने से 2-2 लाख रुपए देने का काम समाजवादियों ने दिया। उसी समय लाइन में लगे लगे एक बच्चे ने जन्म ले लिया। एक
जन्म हो गया उस लाइन में लगे लगे। बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने जानकारी कराई कि वो गरीब कौन है जो बैंक में पैसे बदलवाने गया था। जब पता लगा तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब आदमी था वो। हमने सरकार से उसको भी 2 लाख रुपए दे दिए, कम से कम छोटा खजांची बना दिया उसने। ये सुविधाएं दी हैं। और याद रखना, पैसा काला सफेद नहीं होता। ये पैसा काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हम जितने लोग बैठे हैं यहां पर हैं, कोई नहीं कह सकता कि काला सफेद क्या होता है। पैसा एक सा है सबके पास, लेकिन जब लेन देन हम और आप करते हैं तो काला सफेद कर लेते हैं। जब तक हम और आप नहीं एक साथ होंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक न भ्रष्टाचार कम हो सकता है, न काला धन खत्म हो सकता है। हम तो कहते हैं अलीगढ़ में बीजेपी वाले बताएं कि अभी तक उन्होंने कितना काला धन इकट्ठा किया है, बताएं। ये नोट बंद करने से उन्हें कितना काला धन मिल गया, कोई हमें बता दे। कोई आंकड़े नहीं उनके पास। उद्योग कारखाने बर्बाद कर दिए, मजदूर नौकरी छोड़ करके आ गए। यहां के कारोबार पर भी असर पड़ा होगा, नोटबंदी से असर पड़ा यहां के कारोबार पर भी। इसलिए हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं, ये अलीगढ़ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी पहचान है, कोई नहीं भूल सकता योगदान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का समाज में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ही हमें आगे ले जा सकती है। दुनिया में जितने मुल्क हैं वो आगे तभी बढ़े जब उनके समाज में पढ़ाई लिखाई आ गई, पढ़े लिखे बन गए। कम से कम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। जिन्होंने ये सपने देखे, किसी नौजवान ने अगर सपना देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो कम से कम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उसका सपना पूरा करने का काम किया है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं। कई बार हम लोगों से सवाल करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, हम समाजवादी लोग हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पक्ष में रहे हैं। अगर कोई उनकी मांग है तो उस मांग के पक्ष में हम समाजवादी लोग भी हर मौके पर दिखाई देंगे। हम तो जानते हैं, हम तो बहुत कई प्रोफेसरों से मिले आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक प्रोफेसर मिले हमसे कि वो टरबाइन ऐसी बनाई है उन्होंने कि उसके बीच से पानी निकलेगा, अगर कोई पत्थर कोई चीज आएगी तो टकराएगी नहीं। हमने भी देखा उनका तमाम इंतजाम, वाकई में क्या बनाया उन्होंने। थोड़ा बहुत सहयोग किया है, शायद वो सफल होंगे प्रोफेसर, और सफल होकर के कम से कम उनकी टरबाइन आपकी बिजली बनाने का इंतजाम कर देगी। ये है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शानदार प्रोफेसरों का कारनामा। हम तो ये कहते हैं कि अलीगढ़ में अभी कुछ दिन पहले आए थे बिजली के कारखाने को बढ़ाने के लिए, बिजली आए अभी तो हम दे रहे हैं 24 घंटे। आने वाले समय में 24 घंटे कैसे उपलब्ध हो, इसका भी इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए अपने तमाम हम अल्पसंख्यक भाई, किसान, माताएं बहने, नौजवान साथियों से अपील करेंगे, ये चुनाव ऐसा है जो देश की राजनीति को दिशा देने वाला है। हालांकि आबादी के हिसाब से हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, लेकिन अगर गिनती होती आबादी के हिसाब से दुनिया में देशों में, तो आपका उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे होता है। ये 5वें नंबर का देश होता, इतना बड़ा प्रदेश है, इसकी राजनीतिक हैसियत भी प्रदेश की बड़ी है। जो फैसला ये प्रदेश लेता है वो कई बार देश को स्वीकार होता है। इसलिए एक बार तो अच्छे दिन वाले जीत गए, यहां से धोखा देके जीत गए। हमारी ताकत बिखरी हुई थी इसलिए जीत गए, हम अलग अलग दिखाई दे रहे थे इसलिए जीत गए, लेकिन इस बार तो कम से कम 2 नौजवान एक साथ आ गए हैं। इसलिए नौजवान साथियों,
हम आपसे विशेष अपील कर रहे हैं, देश की राजनीति को दिशा देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ आ गई और नारा भी लगा दिया किसी ने तो, कि ये साथ वाला नारा जो दे दिया किसी ने, यूपी को ये साथ पसंद है। अगर यूपी को ये साथ पसंद है तो साइकिल के साथ हैंडल पे हाथ पसंद है। और अगर समाजवादियों पे भरोसा है तो मैं समझता हूं आपको, हमको समाजवादियों का काम भी पसंद होगा। इसलिए साथियों, काम से ही जीवन बदलेगा, काम से और खुशहाली से लोगों का जीवन बदलेगा। समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं और बिना भेदभाव के काम करना चाहते हैं। ये बीजेपी के लोगों ने झेल बोया है समाज में, वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब देना पड़ेगा बीजेपी को। और लोकतंत्र में जनता जवाब देती है, जिन लोगों ने लाइन में लगाया, जिन्होंने समाज में झेल फैलाया, जिन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की, इस चुनाव में सब लोग मिलकर के इनका जवाब देने का काम करेंगे। अगर लाइन में लगाया था पैसे के लिए तो एक बार फिर वोट डालने के लिए लोग लाइन में लगेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाने का काम भी उत्तर प्रदेश की जनता इस चुनाव में करने जा रही है। हम तो कहते हैं हमारे साथी जो सामने खड़े हैं, अंग्रेजी में बैनर दिखाया इन्होंने, हम आपके साथ हैं। मैं आपका सवाल जानता हूं, थोड़ी सी कम राइटिंग में लिखा था लेकिन मैंने सवाल पढ़ लिया आपका। वो सवाल हमने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा और हमने कहा कि आबादी के हिसाब से मदद होनी चाहिए और देश की लड़ाई में बिना संविधान के संशोधन, आप भी पढ़े लिखे हैं तो आप भी जानते होंगे बिना संविधान के संशोधन के वो काम नहीं हो सकता। लेकिन प्रदेश की जितनी भी लाभकारी योजनाएं थी, आप पता कर लेना, चाहे वो लैपटॉप हो, हमने आबादी के हिसाब से आपको भी देने का काम किया, 20% पहुंचाने का काम किया। हमारी समाजवादी पेंशन देख लेना, पहली बार शायद इतने बड़े पैमाने पे मुस्लिम गरीब महिलाओं को पेंशन से जोड़ने का काम किया। विद्याधन दिया और जिस तरीके से गांव में आरक्षण होता था जात के आधार पर, उसी तरीके से हमने लोही आवास और गांव भी आपके देने का काम किया। कम से कम जो आपकी सरकार की तमाम योजनाएं थी उनमें 20% हक देने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी लोगों ने करके दिखाया। इसलिए जहां अच्छे दिन वालों को जवाब देना है, वहीं एक पत्थर वाली भी सरकार है उसको भी जवाब देना है। बहुत हाथी लगाए उस सरकार ने, जाने कितने हाथी लगाए दिल्ली में, वो दिल्ली के किनारे जो नोएडा है, और लखनऊ में भी हाथी लगा दिए। हम तो पिछले 9 साल से देख रहे हैं, जो हाथी खड़ा है वो अभी भी खड़ा है, जो हाथी बैठा है वो अभी भी बैठा है, और बैठा हुआ हाथी अभी तक खड़ा नहीं हुआ और खड़ा वाला हाथी आज तक बैठा नहीं। और उस दल के लोगों को नकदी बहुत पसंद है, ये याद रखना, उस दल के लोगों को नकदी बहुत पसंद है। अगर आपको यूपी में ये जोड़ी पसंद है या युवा पसंद है, काम पसंद है, तो हाथी वाली पार्टी को नकदी पसंद है। पता कर लेना, टिकट पाने वाले जानते होंगे। हमें तो यही बताया गया कि जो भी बहुजन समाज पार्टी से छूटा निकला वो यही कहा कि हमसे पैसा ज्यादा मांग लिया, इसलिए हम टिकट वापस करके आ गए। ऐसे साथियों, इस बार कोई लड़ाई में नहीं है, कोई लड़ाई में हो तो बता दो। पहले तो कम चर्चा होती थी, पहले तो कम चर्चा होती थी कि सरकार बन रही कि नहीं बन रही है, फिर तो धीमे धीमे कहने लगे हां समाजवादी आगे हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के आने के बाद सब कंफ्यूजन खत्म हो गया, सब जानते हैं कि सरकार इन्हीं लोगों की बनने जा रही है। इसलिए गलती मत करना अलीगढ़ के लोगों, हम